அண்ணா, அதாவது வர்ற மார்ச் 4ஆம் தேதி நடக்கிறக்கூடிய சென்னையினுடைய பொதுக்கூட்டம், பிரதமர் அவர்கள் கல்பாக்கம் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்கிறாங்க. மதியானம் அதிலாபாத்திலிருந்து வர்றாங்க. அதன் பிறகு சாயங்காலம் 5:30 அளவுல நம்முடைய भारतीय जनता पार्टी पोदुकोटा ओएमसीए ग्राउंड ला। आज हम चर्चा करेंगे केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में हुए चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की चिंताओं के बारे में, जैसे कि क्या मतदान उपस्थिति में गिरावट राहुल गांधी के वोट शेयर में दिखाई देगा, क्या राहुल फैक्टर इस चुनाव में कमजोर पड़ गया है, और क्या IUML क्षेत्र में झंडे को लेकर विवाद का मतदान पर प्रभाव पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। केरल के कांग्रेस नेता शुक्रवार को वायनाड क्षेत्र में कम मतदान उपस्थिति के मद्देनजर राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर चिंतित थे। उन्हें आशंका है कि मतदान में गिरावट उनके नेता के वोट शेयर में दिखाई दे सकती है। साल 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड सीट से 4,31,770 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार CPI नेता एनी राजा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन चुनाव मैदान में राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी सीट जीतेंगे, लेकिन वायनाड में मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट से राहुल गांधी की वोट संख्या में कमी आ सकती है। साल 2019 में वायनाड में मतदान प्रतिशत 80.33% था, जबकि इस बार ये 7% की गिरावट के साथ 73.48 रहा। UDF केंद्रों पर मतदान में भारी गिरावट देखी गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या साल 2019 का राहुल फैक्टर इस बार अनुपस्थिति था, या फिर क्या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग क्षेत्र में झंडे को लेकर विवाद ने मतदान पर प्रभाव डाला है। वायनाड में मतदान में गिरावट के कई जटिल कारक हैं, जिनका राहुल गांधी के वोट शेयर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक संभावना ये है कि कम मतदान कम रुझान का संकेत है। मतदान चुनाव प्रक्रिया से निराश हो सकते हैं, या उनका मानना हो सकता है कि उनकी चिंताओं को कोई भी उम्मीदवार पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर रहा है, ऐसा मतदाता सोच सकते हैं। दूसरी संभावना ये है कि मतदान में गिरावट राहुल गांधी के प्रचार अभियान की अप्रभाविता का कारण हो सकता है। कांग्रेस जनता तक अपने संदेश को प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाई है, या मतदाता राहुल गांधी के अभियान से प्रभावित नहीं हो पाए हैं। तीसरी संभावना है कि मतदान में गिरावट IUML क्षेत्र में झंडे को लेकर विवाद प्रभावित हुई है। राहुल गांधी मुस्लिम समुदाय के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और विवाद IUML के समर्थन आचार से नाराज कर दिया है। इससे वायनाड के उन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक है। बाकी ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वायनाड एक ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ बड़े पैमाने पर मतदाता निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों से प्रभावित होते हैं। ये संभव है कि स्थानीय मुद्दों ने भी मतदान को प्रभावित किया हो। कुल मिलाकर वायनाड में कम मतदान उपस्थिति उन जटिल कारकों का संकेत है, जो राहुल गांधी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। मतदान के नतीजे उनके वोट शेयर और उनकी जीत के अंतर को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश। लीजिए विदा, नमस्कार।